हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द टेक रूम। वीवो ने फाइनली अपने नए ओएस ओरिजिन ओएस को चाइना में लॉन्च कर दिया है और इससे रिलेटेड सभी इन्फॉर्मेशन अब सामने आ गया है। वाकई फंटच ओएस के कंपैरिजन में ओरिजिन ओएस काफ़ी ज़्यादा अच्छा, फ्यूचरिस्टिक, एट्रैक्टिव और काफ़ी कमाल का है और इसमें कस्टमाइजेशन की बहुत सारे नए फीचर्स दिए गए हैं। ओरिजिन ओएस पर रन करता हुआ वीवो का एक स्मार्टफोन का वीडियो भी सामने आया है, जिसको आगे इस वीडियो में हम देखेंगे और साथ ही वीवो और आइको के फोन्स का अपडेट शेड्यूल भी सामने आ गया है, जिसको आगे हम जानने वाले हैं। वीडियो को जल्दी से लाइक कर दे और आपके पास कौन सा स्मार्टफोन है नीचे कमेंट में जरूर बताएं। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वीवो ने अपने नए ओएस ओरिजिन ओएस को लॉन्च कर दिया है। फंटच ओएस तो काफ़ी लोगों को पसंद नहीं आता था, लेकिन ये न्यू ओरिजिन ओएस काफ़ी लोगों को पसंद आने वाला है और मार्केट में अपनी एक पोजीशन भी बनाने वाला है। जैसे ऑक्सीजन ओएस, वन यूआई, मी यूआई पॉपुलर है, वैसे ही ओरिजिन ओएस भी पॉपुलर होने वाला है। अगर ओरिजिन ओएस को ओवरऑल देखें तो ये एप्पल के लेटेस्ट iOS 14 से काफ़ी ज़्यादा इंस्पायर्ड है। ओरिजिन ओएस का होम स्क्रीन देखें तो कुछ ऐसा देखने को मिलने वाला है। आइकॉन्स और डिजाइन फर्स्ट लुक में तो काफ़ी अच्छा लग रहा है देखने में। अब नोटिफिकेशन पैनल देखें तो वो कुछ ऐसा देखने को मिलने वाला है। इसमें आपको ऐप ड्रॉअर भी देखने को मिलेगा। ये ऐप ड्रॉअर कलर ओएस जैसा कुछ देखने को मिलेगा, लेकिन इससे आप कस्टमाइज भी कर सकते हैं, क्योंकि बहुत से डिफरेंट टाइप के कस्टमाइजेशन और लगभग 26 डिफरेंट टाइप के जेस्चर भी देखने को मिलेगा। ओरिजिन ओएस में सेटिंग कुछ इस तरह का देखने को मिलने वाला है और रिसेंट ऐप कुछ इस तरह का होगा। ये तो था ओरिजिन ओएस के फर्स्ट लुक और डिजाइन का स्क्रीनशॉट, लेकिन अब आपको एक रियल वीडियो दिखा रहा हूँ वीवो के एक स्मार्टफोन का, जिसमें ओरिजिन ओएस रन कर रहा है, जिससे आपको ओरिजिन ओएस के बारे में थोड़ा और अच्छे से पता चल सके। ये रहा होम स्क्रीन का डिजाइन, काफी ज्यादा अच्छा और यूनिक लग रहा है देखने में। इस वीडियो को देखने के बाद अब आपको ओरिजिन ओएस के बारे में काफी कुछ आइडिया हो गया होगा कि ये ओएस कैसा होने वाला है। इस बात पर लाइक तो बनता है और साथ ही आपके फोन के अपडेट से रिलेटेड कोई भी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिस ना हो जाए, इसलिए सब्सक्राइब वाले बटन को अभी क्लिक करें। यहाँ पर अब काफी लोग इंतजार कर रहे होंगे और जानना चाहते होंगे कि उनके फोन में ओरिजिन ओएस का अपडेट आएगा या नहीं। तो अभी इंडिया में ओरिजिन ओएस का अपडेट शेड्यूल तो नहीं आया है, लेकिन चाइना में वीवो और आइको के फोन्स का अपडेट शेड्यूल आ गया है। वो ये रहा, 2021 के स्टार्टिंग से इन सभी फोन्स में अपडेट देखने को मिलेगा, लेकिन सिर्फ चाइना के अंदर, जिसमें नेक्स्ट 3S, वीवो X50 सीरीज, वीवो S7 और आइको के सभी फोन्स हैं। उसके बाद नेक्स्ट 3 सीरीज, आइको के फोन्स और वीवो X30 सीरीज। 2021 के Q1 में आपको इतने फोन से अपडेट देखने को मिलेगा। उस वक्त 2021 के Q2 में वीवो के बहुत सारे फोन्स हैं जिनमें ये अपडेट मिलने वाला है, जैसे वीवो के सभी Z सीरीज इंडिया में, जैसे वीवो Z1X, Z1 Pro और वीवो S1, S1 Pro और भी बहुत सारे वीवो के फोन्स हैं जिनमें ओरिजिन ओएस का अपडेट मिलने वाला है। यह अपडेट शेड्यूल तो चाइना का है, मतलब इस लिस्ट में जितने भी फोन्स हैं उस फोन्स को चाइना में अपडेट मिल रहा है, मतलब इंडिया में उन फोन्स को जरूर अपडेट मिलेगा। और वो फोन्स जो सिर्फ इंडिया में लॉन्च हुए हैं, जैसे वी सीरीज में, वी 15 के ऊपर जितने भी फोन्स हैं, उन सभी फोन्स को इंडिया में अपडेट मिलेगा, ये मेरी तरफ से 100% कन्फर्म है। उसके बाद वाई सीरीज में जितने भी न्यूली लॉन्च्ड फोन्स हैं, उन सभी को अपडेट जरूर मिलेगा। बाकी ओरिजिन ओएस के बारे में आपका क्या कहना है? क्या आप भी इंतजार कर रहे हैं इस नए ओएस को एक्सपीरियंस करने के लिए और कितना एक्साइटेड है ओरिजिन ओएस को यूज करने के लिए? आप हमें नीचे कमेंट में जरूर बताएं। इस वीडियो में हमने ओरिजिन ओएस से रिलेटेड सभी इन्फॉर्मेशन को देखा। उम्मीद है आप सभी को वीडियो जरूर पसंद आएगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन जरूर कर लें, जिससे आगे आने वाली सभी न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। हम फिर मिलेंगे आपसे बहुत जल्द एक नई टेक वीडियो के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें। टेक केयर ऑल ऑफ यू। सी यू सून गाइस।